आने लगी है, हवाएं भी रागिनी गीत गाने लगी है। मौसम ने यह कैसा रुख बदल डाला, मौसम ने यह कैसा रुख बदल डाला, शायद बदलाव की आवाज आने लगी है। आज यहाँ जितनी मेरी बहन उपस्थित है, सभी साहित्य की सुजी पाठिकाएं साधिकाएं, उन सबको मेरा सादर नमन, बाहर से पधारे हुए अतिथियों को मेरा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अब मेरी कविता का विषय है नारी जीवन। नारी तुझमें समाई है दुनिया सारी, नारी तुझ ही में समाई है दुनिया सारी, तुझ ही से महकी है जीवन की बगिया की क्यारी। कहने को तो एक व्यक्ति, कहने को तो महिला सिर्फ एक व्यक्ति, पर तुझमें कई व्यक्तित्व है समाये। तू भी एक अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश रखती है, पर कुछ बंदिशों में उलझ कर रह जाती है। घर रिश्तों की धड़कन, घर और रिश्तों की धड़कन, देहरी का अभिनंदन, हृदयों का पावन बंधन, गंगा सी पावन, पति की मन भावन, जीवन का सार, संस्कृति और संस्कार। तुझमें है आकाश की विशालता, धरती माँ की सहनशीलता, सागर सी गंभीरता, बिजली सी चपलता, वायु सी गतिशीलता। इतना सब होते हुए भी फिर क्यों लूट ली जाती है, फिर क्यों लूट ली जाती है, क्यों खसोट ली जाती है, तराजू में तोली जाती, तलाक के तीन लफ्जों में ठुकराई जाती, तलाक के तीन लफ्जों में ठुकराई जाती। उठ उठ और दुर्गा बन, बुराइयों का नाश कर और अपने वात्सल्य से सृष्टि को प्रेममयी बना ले। अगर तू ना होती, अगर तू ना होती तो जीवन जीवंत ना होता, अगर तू ना होती तो जीवन जीवंत ना होता। सच नारी तेरा कोई नासानी, तेरा कोई नासानी, तेरा कोई नासानी। और अंत में पुलवामा हमले में मैं भारत का जो बदला, उस पर दो लाइनें कहना चाहूंगी कि तदबीर के दस्ते जर्रे से तकदीर दरकशा होती है, तकदीर के दस्ते जर्रे से तकदीर दरकशा होती है, और कुदरत भी रहम फरमाती है, कुदरत भी रहम फरमाती है। जब कोशिश इंसान होती है, इंसान होती है, इंसान होती है। धन्यवाद। पहले एक छोटी सी छवि का, चूहे और नेता के देखें परिवेश को, चूहे और नेता के देखें परिवेश को, एक कपड़े कुतरता है एक देश को। अब एक कविता, डॉक्टर सुनो, आंखों की पूरी तरह जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा ये दवा डालो चार बार, आंखों का पानी सूख रहा है। आंखों की ये स्थिति सभी के साथ आती ही नहीं, आई होगी। आंखों की पूरी तरह जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा ये दवा डालो चार बार, आंखों का पानी सूख रहा है। ये भी कोई बात हुई क्या, कैसे हो डॉक्टर, इन आंखों की हरकतों की शिकायत किससे करूं, डबडबा जाती है हर कभी, बहने लगती है जरा सी बात भर, और तुम कहते हो पानी नहीं। पुराने खत हो या एल्बम हो, हाथ आते ही कोई भावुक सी कविता पढ़ते हुए, माँ की याद आते हुए, या किसी के जोक से बोलने मात्र से बहना शुरू हो जाती है, और तुम कहते हो सूख रही है आंखें, ये कोई बात हुई डॉक्टर। गीले रुमालों को पेश करूं साक्ष के रूप में, या उन दोस्तों की गवाही दिलवाऊं जिन्होंने पोछे थे आंसू, या उन किताबों के पन्ने दिखाऊं जिनमें बने आंसुओं के निशान, या सबसे पुख्ता साक्ष्य तो गुलाबी नीले फूलों वाला तकिया है जो सदा नम ही रहता है, और तुम कहते हो आंखों की नमी कम हो रही है, ये कोई बात हुई डॉक्टर। कैसे मान लो तुम्हारी बात डॉक्टर। तन के चिकित्सा विज्ञान से इतर मन का कोई चिकित्सा विज्ञान है क्या, जो अंतिम विदाई देते हुए मुस्कुराकर बाय करे, स्मृतियों पर अट्टहास करे, संवेदना के नाम पर खिलखिलाए और पराय रुदन पर मुस्कुराए।
बताओ ना डॉक्टर, आंखों में छुपा हुआ पानी भी है क्या कोई? आंखों में छुपा हुआ पानी भी है क्या कोई, जो सुख दुख से परे उम्र की आंच में सुख पाइए? बताओ ना डॉक्टर। चलिए अब ये मेरी है, एक कविता पाठ कर रही हूँ, उसका शीर्षक है गलत ठहरा दिया तुमने। सदियों सदियों कैद रही बंद दीवारों में, सदियों कैद रही बंद दीवारों में, सपनों को अपने मुट्ठी में भीजे, सपनों को अपने मुट्ठी में भीजे, आज जब खोल कर दरवाजा, आज जब खोल कर दरवाजों को, आना चाहा बाहर मेरा आचरण गलत बता दिया तुमने। फेंके जब जब शब्द भेदी बाण, फूलों सा सहेज आंचल में अपने, फेंके जब जब शब्द भेदी बाण, फूलों सा सहेज आंचल में अपने, पीड़ा सहती रही खामोश, आज जब खोलना चाहा लब, आज जब खोलना चाहा लब, मेरा व्याकरण गलत बता दिया तुमने। उम्र भर झूठे नकाबों के पीछे छिपाए रही खुद को, हर गम अपमान उपेक्षा की कसक को छिपा, मुस्कुराहट ओढ़े रही आज जब चाहती हूँ अपनी सही पहचान ओढ़ना, मेरा आवरण गलत बता दिया तुमने। ड्राइंग रूम के सोफे सी सबकी जरूरतों और सुविधाओं के मुताबिक यहाँ से वहाँ खिसकाई जाती रही, मन के पंछी को कैद किए रही कर्तव्यों के पिंजरे में, मन के पंछी को कैद किए रही कर्तव्यों के पिंजरे में, कुतर दिए सभी संभावनाओं के पंख, आज जब उड़ना चाहता है मन का पंछी मुक्त गगन में, सारा पर्यावरण गलत बता दिया तुमने। धन्यवाद। लाल गोले में चटक चटकीला सबसे सुंदर कहलाऊ, टेसू से लेकर लाल रंग चल पड़ा रंगाने को, जैसे ही देखे अधर लाल भूल गया लगाने को, मन फागुन फागुन हो गया आज पिया को कौन रंग लगाऊं, रंग कहां से लाऊं, गुलाबी कहे मैं सबसे कोमल सौम्य कहाऊं, गुलाबों से लेकर गुलाबी रंग चल पड़ा रंगाने को, जैसे ही देखे गाल गुलाबी भूल गया लगाने को, मन फागुन फागुन हो गया आज पिया को कौन रंग लगाऊं, रंग कहां से लाऊं, नीला कहे मैं नील समंदर नील आसमां कहलाऊं, लेकर उनसे रंग नशीले चल पड़ा रंगाने को, जैसे ही देखे नैन नील कमल भूल गया लगाने को, मन फागुन फागुन हो गया आज पिया को कौन रंग लगाऊं, रंग कहां से लाऊं, पीला कहे मैं पूनम के चांद की सुंदरता कहलाऊं, लेकर उससे सुंदर पीला चल पड़ा लगाने को, देख कर पीली लहंगा चोली भूल गया लगाने को, मन फागुन फागुन हो गया आज पिया को कौन रंग लगाऊं, रंग कहां से लाऊं, हरा कहे मैं नव पल्लव की हरियाली कहलाऊं, लेकर उनसे रंग हरीरा चल पड़ा रंगाने को, देख कर ओढ़ी हरी चुनरी भूल गया रंगाने को, मन फागुन फागुन हो गया। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ, मैं किस पर बोलना चाहती हूँ। क्योंकि मैं झाबुआ जिले की निवासी हूँ, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम छोर पर बसा आदिवासी बहुल झाबुआ जिला। झाबुआ जिले में आदिवासी महिला पर मैंने यह कविता लिखी है, क्योंकि मेरा जन्म वहीं हुआ है और मैंने महिलाओं के बीच बहुत सारा काम भी किया है। तो झाबुआ का एक गांव, जहां आप जाएंगे तो सुदूर झोपड़े में मक्का की रोटी बनाती हुई एक आदिवासी महिला, पत्थरों के टुकड़ों पर बना हुआ चूल्हा और उस पर रोटी बनाती हुई एक आदिवासी महिला, और उस रोटी को
टुकुर टुकुर ताकती बच्चों की आंखें। रचना का शीर्षक है झाबुआ जिले की आदिवासी महिलाएं। मौसम दर मौसम सूरज के निकलते ही, मौसम दर मौसम सूरज के निकलते ही अल सुबह रोटियां और चटनी निकलकर चली जाती हो खेतों की ओर। दिन भर जूझती हो बूढ़े बैलों से, कंसुइयों से खगालती हो धरती की माटी का सीना। कंसुइयों से खगालती हो धरती की माटी का सीना, कठोर खुरदरे हाथों की कर्मठ उंगलियों से, कठोर खुरदरे हाथों की कर्मठ उंगलियों से पाटती रहती हो दरारों को। चुपती हो चाहे तीखी सुइयां, आंखों में चमकती हैं काली गुइयां। समय को धकियाते हुए कुछ बोलते बतियाते हुए भी अनकहा छोड़ देती हो। समय को धकियाते हुए कुछ बोलते बतियाते हुए भी अनकहा छोड़ देती हो उजली सफेद झक दंत पंक्तियों में मुस्कुराती ईश्वरीय हंसी। उजली सफेद झक दंत पंक्तियों में मुस्कुराती ईश्वरीय हंसी, मजबूत इरादों से बनी ठनी रहती हो। हर दम हर ठोर दाने के एक एक अंकुए को देख सीना तान, सांसों के उमंगित आरोह अवरोह की लय ताल से आबद्ध, होठों की कोर से लोकगीत की टेप छेड़ देती हो। मौसम दर मौसम फसल पकने का सुनहला सपना बुनती हो, दाना पछोड़ने का सपना बुनती हो। महक जाता है वन प्रांतर का हर छोर, तुम्हारे पैरों की फटी दिवाइयां और पत्थरियों के चमकते छालों से टप टप लाल लाल बूंदों का टपक जाना। तुम श्रम सन्नारियों की यही है कठिनतम रुबाइयां, तुम श्रम सन्नारियों की यही है कठिनतम रुबाइयां। आदिम जनजाति की महिला जन क्रांति का बसता रहता शंखनाद है, इसीलिए तो जंगल जंगल टपरियां टपरियां तुम्हारी खिलखिलाहट से आबाद है, इसीलिए तो जंगल जंगल टपरियां टपरियां तुम्हारी खिलखिलाहट से आबाद है। धन्यवाद। धन्यवाद सीमा जी। अब यही हम हमारा कार्यक्रम जो है समाप्त कर रहे हैं। चार पंक्तियां सिर्फ हमारे जो इस पूरा समागम है उनको समर्पित करना चाहूंगी। रुकती थी कभी मैं अब न रुकूंगी मैं, रुकती थी कभी मैं अब न रुकूंगी मैं, कहानियों किताबों से निकल उड़ रही हूँ स्वच्छंद आसमान में, तुम्हारी कलम की नोक के नीचे भी रच रही हूँ अपना अलग संसार। क्या सोचते हो तुम सिर्फ देह हूँ मैं, देह नहीं संपूर्ण सृष्टि हूँ मैं, अब न रुकूंगी मैं, अब न रुकूंगी मैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.